ये लड़का जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा था और इसके घर की हालत भी बिल्कुल खराब थी। तभी एक रिक्शा वाली आती है और इसे बैठने के लिए कहती है, और ये जैसे ही रिक्शा में बैठने जाता है तो उसे नोटों की गड्डी मिलती है। इतने सारे पैसों को देखकर वह लालच में डूब जाता है और उन पैसों को अपनी जेब में रखकर रिक्शा में बैठ जाता है, और वो रिक्शा वाली उस आदमी को अपने डेस्टिनेशन तक छोड़ देती है और वह आदमी उसे पैसे देता है। वह कहती है, मेरी माँ बहुत बीमार, क्या आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं? और वह आदमी कहता है, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तू कुछ पैसों के लिए अपनी माँ को बीमार बता रही है। तो रिक्शा वाली कहती, नहीं साहब, मेरी माँ सच में बीमार, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं उसका इलाज करा लूंगा। और आदमी उसको मना करके वहां से चला जाता है। फिर वह लड़की रिक्शा में से उतर कर उसमें और बहुत सारे पैसे डाल देती है ताकि दूसरे का इंटरव्यू ले सके, और वह एक दूसरे आदमी को भी ऑफिस छोड़ने के लिए पूछती है। तो वह आदमी भी उन पैसों को ले लेता है। और फिर आगे जो इस औरत ने दोनों के साथ किया उसे देखने से पहले, प्लीज दोस्तों, मेरे लिए नहीं तो कम से कम हमारी जान की रक्षा करने वाले इन फौजियों के लिए ही वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में आई लव फौजी जरूर लिख दे। और फिर बाद में इन दोनों लड़कों को पता चलता है कि यही मैडम इनका इंटरव्यू लेने वाली है, और ये मैडम बिना इंटरव्यू के ही इन दोनों को निकाल देती है।